फ्रेंड, इन दिस क्लिप वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम ऑन इंटरेस्ट वाला इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो मैंने एक सम तैयार किया है, आप लोग इसे पॉज करके अपने बुक में लिख लेना, क्योंकि बाद में स्क्रीन में दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको ये आंसर मैं सॉल्व करते हुए दिखा दूंगा। तो लिखा है, मिस्टर मंदार होल्ड्स 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब मिस्टर मंदार ने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जहाँ पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 1 अप्रैल 2005 नॉमिनल वैल्यू है 75,000 रुपीज़ का, जिसका कॉस्ट प्राइस है 78,000। कॉस्ट प्राइस के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। फिर परचेजेस है 1 मई 2005 नॉमिनल वैल्यू 30,000 है, जिसको हमने परचेस किया एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। फिर 1 नवंबर को है 45,101 एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। फिर सेल्स है 1 अगस्त 2005 को नॉमिनल वैल्यू 36,000 एट द रेट 97 कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और 1 फेब को 24,000 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया एट द रेट 102 एक्स इंटरेस्ट। और 31 मार्च को मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1% डिस्काउंट। अब याद रखना है कि फेस वैल्यू नहीं दिया है डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो फेस वैल्यू अज्यूम करने का कि 100 रुपीज़ है। तो एट दी एंड 1% डिस्काउंट, मतलब मार्केट में 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 99 रुपीज़ से मिल रहा है। 100 का 1% 1 रुपये होता है, तो 100 में से 1 गया तो 99। इस तरह से आपने देखा कि सम दिया है ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस और सेल्स। हमको सम सॉल्व करते समय डेट वाइज जाना है, 1 अप्रैल के बाद 1 मई है, फिर उसके बाद में आपका आएगा 1 अगस्त, फिर 1 नवंबर और उसके बाद में 1 फरवरी। इस सब में इंटरेस्ट का ड्यू डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन बता देता हूँ, 30 जून और 31 दिसंबर है, सब में मेंशन किया जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। अब इस सम को हमको सॉल्व करना है, तो मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करें। सम को याद से आप अपने बुक में लिख ले, उसके बाद में आप आराम से इस आंसर को सामने रख के अपने मेरे साथ में सॉल्व करते जाए। तो मैंने देखो रोलिंग किया है, इन द बुक सम मिस्टर मंदार है, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। मतलब 1 अप्रैल 2005 को सम चालू हुआ, 31 मार्च 2006 को सम खत्म हो जाएगा। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट है, अमाउंट में 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस। फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट में 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बना दिया, वर्किंग नोट में बता दिया कि इंटरेस्ट का ड्यू डेट 30 जून और 31 दिसंबर है। तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करें। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 को ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2005 टू बैलेंस ब्रॉकडाउन। देखो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, असेट्स है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस असेट्स का हमेशा डेबिट साइड होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है एट द एंड क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं प्लस साइड, तो ओपनिंग बैलेंस के साथ में परचेजेस आएगा, और क्रेडिट साइड क्या होता है माइनस, तो जब भी सेल होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है, नॉमिनल वैल्यू 75,000 है और कॉस्ट प्राइस 78,000 दिया है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमेशा 75,000 के ऊपर निकलेगा। और ये जरा आप दिमाग में रखिए कि इस चैप्टर में जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेजेस, सेल्स, उस समय हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्यू बेसिस पे। भले हमको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजेक्शन का अप टू डेट। तो आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल के पहले जो ड्यू डेट गया है 31 दिसंबर गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 75,000 का 6% 3 मंथ्स का जब हम लोग निकालेंगे तो आंसर आता है 1,125। हो गया ये ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 मई को परचेजेस है, तो डेबिट साइड में 1 मई 05 टू बैंक अकाउंट,
ये क्या आपका परचेजेस नॉमिनल वैल्यू 30,000 है। अगर आप देखो तो 30,000 नॉमिनल वैल्यू है, एक डिबेंचर 100 का है तो क्वांटिटी कितना होता है 300। इसका मतलब अगर आप 2 0 कम करेंगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। उसको परचेस किया है 98 कम इंटरेस्ट में, तो अगर 300 इंटू 98 करूंगा तो हमको जो आंसर आता है वो आता है आपका 29,400 जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले इंटरेस्ट निकाल ले और फिर 29,400 में से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आज 1 मई है, तो 1 मई के पहले ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 मंथ्स का 6% हम 30,000 निकालेंगे तो आता है आपका 600। अब जो 29,400 कम इंटरेस्ट था उसमें से 600 निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 28,800, मतलब कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त को, लेकिन हमको रुकना पड़ेगा कि 1 अगस्त के पहले 30 जून है जहाँ पे हमको एक्चुअली इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो हमको उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा 30 जून को। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री 30 जून 2005 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जब भी रिसीव होगा तो हमको देखना है कि हमारे हाथ में एज ऑन दिस डेट कितना इन्वेस्टमेंट है। तो देखो 75,000 और 30,000 मतलब 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 1,05,000 के ऊपर 6% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको मिलेगा 31 दिसंबर के बाद, जैन से लेके 30 जून तक का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3,150। तो 1,05,000 इंटू 6% इंटू 6/12 तो 3,150 हो गया। अब आगे जा सकते हैं, 1 अगस्त को हमने सेल किया है तो कई साइड में सेल की एंट्री आती है, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सोल्ड। 36,000 नॉमिनल वैल्यू है और हमने सोल्ड किया एट द रेट 97 कम इंटरेस्ट में, तो 2 0 कम किया तो 360 क्वांटिटी को सेल किया 97 कम इंटरेस्ट में, तो आंसर आ रहा है 34,920। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड करके आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, आज 1 अगस्त है तो 1 अगस्त के पहले 30 जून ड्यू डेट गया है तो जुलाई बस 1 महीने का ही निकलेगा, तो 36,000 का 6% 1 मंथ का निकालेंगे तो 180 आता है। तो 34,980 में से 180 निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 34,740। दिस इज कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट। और जैसे मैंने थ्योरी बताया था, जब भी आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है, तो कैसा निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। आज जिस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग स्किप कर लेंगे क्योंकि 36,000 इसमें इंक्लूडेड है। तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट था 75,000 प्लस 30,000 1,05,000 का, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो देखेंगे हम लोग 1 लाख का 6,800 है ये मिला के। अब 1,05,000 में से हम लोग सेल कर रहे 36,000 का इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 36,617। और इसको हमने कितने में सेल किया 34,740 में, तो 34,740 में सेल किया इसका मतलब कम में सेल किया तो हमको लॉस हो रहा है 1,877 का लॉस ऑन सेल 1,877 का। तो लॉस हम लोग जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में आता है, तो इन्वेस्टमेंट के कौन से साइड में आएगा क्रेडिट साइड में। डेट आपका सेल डेट ही लेना है,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे 1877 वाला, ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया 1,05,000 में से। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अगस्त के बाद है, 1 नवंबर को परचेज है, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट परचेजेस, हमारे पास 45,000 का परचेजेस है, परचेस किया 101 एक्स इंटरेस्ट, तो 450 इंटू 101 करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट, जो हम लोग लिख सकते हैं, तो 45,450। और इसका इंटरेस्ट निकालना है 1 नवंबर, तो इसके पहले ड्यू डेट 30 जून गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 नवंबर है तो नवंबर काउंट नहीं होता, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 45,000 के ऊपर 6%, तो 900 आता है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 फरवरी, फिर रुकना है, 31 दिसंबर को हमको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिलता है, उसकी एंट्री पास करना है, तो 31 दिसंबर 05 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जब भी मिलता है तो हमको देखना है कि एज ऑन 31 दिसंबर को मेरे हाथ में इन्वेस्टमेंट कितना है, तो देखो 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से आपके पास से 36,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया, इसका मतलब मेरे पास इस समय इन्वेस्टमेंट कितना है, तीनों को प्लस किया माइनस 36,000 किया, तो 1,14,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर 6% और 6 मंथ्स का निकालेंगे तो हमको मिलता है 3,420, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे 1 फरवरी को हमने सोल्ड किया बाय बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू है 24,000 और सोल्ड किया 102x इंटरेस्ट, तो 240 इंटू 102 करेंगे तो 24,480 आता है x इंटरेस्ट। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 1 फरवरी के पहले ड्यू डेट क्या गया है 31 दिसंबर, तो आपका जनवरी एक ही महीना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 24,000 का 6% 1 मंथ का आता है 120। अब आपने सोल्ड किया है तो आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, आज जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितना, दिस 3 प्लस माइनस 36,000 करेंगे तो 1,14,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मतलब 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 माइनस 36,000, तो आपके पास 1,14,000 है। उसी तरह कॉस्ट 1,2,3 प्लस माइनस 1,2, ये भी दोनों माइनस कर लेंगे, तो 78,000 प्लस 28,800 प्लस 45,450 माइनस 34,740 माइनस 1,877 किया, ये आता है आपका 1,15,633। अब जो सोल्ड कर रहे हैं 24,000 उसका कॉस्ट कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24,000 प्लस 115,633 डिवाइड बाय 1,14,000, तो आपका आंसर आ रहा है 24,344 कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और इसको आप लोगों ने सोल्ड किया 24,480 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा में सेल किया आपने, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 136 का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, सेम सेल डेट पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट
136। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। पूरा सम खत्म हो गया, हम टोटल मारेंगे। टोटल मारते समय आपको नॉमिनल वैल्यू का टोटल पहले मारना है। तो डेबिट साइड का टोटल करो तो 150,000 है, तो दोनों साइड लिख दिया 150,000। उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करो, 36,000 माइनस 24,000, मतलब दोनों को प्लस किया तो 60,000 माइनस किया, 90,000 का इन्वेस्टमेंट आपके पास बैलेंस है। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, इसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, 31 मार्च है तो 31 मार्च के पहले ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का। तो 90,000 का 6% 3 मंथ्स का होता है 1350। अब इंटरेस्ट का टोटल मानेंगे इसको लेके, तो है 8220 साइड ज्यादा है, उसमें से तीनों माइनस कर देंगे तो 5595। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रेकेंड लिखते हैं ट्रांसफर, 31 मार्च 06 का डेट है, या आ गया इंटरेस्ट। अब कॉस्ट कॉलम का टोटल मारेंगे, डेबिट साइड ही हमेशा कॉस्ट कॉलम में ज्यादा रहता है, तो 1,52,386 आ रहा है, तो 1,52,386, उसमें से ए माइनस किया तो आंसर आ रहा है 91,289। और मार्केट में बचे हुए इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है, बोलता है कि 1% डिस्काउंट है, मतलब 99 है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचा है 900, तो हो गया आपका 89,100 मार्केट वैल्यू। और कॉस्ट प्राइस आया हुआ है डेबिट माइनस क्रेडिट करके 91,289। अब इन दोनों में से लोअर वन 89,100 है, मतलब मार्केट वैल्यू है लोअर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 89,100। तो मार्केट वैल्यू लिया इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2189 वो लिखना पड़ेगा, लेकिन कल को कॉस्ट प्राइस लोअर होगा तो डिफरेंस नहीं आएगा, तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 31 मार्च 06। तो इस तरह से हम लोग ने ये पूरे सम को सॉल्व किया। आप लोग भी इस सम को अपने बुक में पहला क्वेश्चन लिखिए और मेरे साथ जिस तरह से मैंने सॉल्व किया धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। तो ये पूरा इंटरेस्ट का सम हो गया, इसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स को कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, हैव ए नाइस डे फ्रॉम द प्रैक्टिस सर।